हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ही टेस्टी नाश्ता आज आपके लिए लेके आए हैं। तो ये नाश्ता हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे एक कटोरी आटा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप आटा घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा सा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये नाश्ता खाने में भी हेल्दी है और आप इसको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी बना करके दे सकते हैं। सॉफ्ट डो बन करके तैयार है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमने एक बर्तन में लिया है 250 ग्राम पनीर। अब हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे जिससे ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। आप इस नाश्ते को सब्जी के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पे दो बड़ी प्याज को हमने बारीक काट लिया है जिसको हम इसमें डाल देंगे। प्याज के बाद कटी हुई डाल देंगे हरी मिर्ची। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें रख सकते हैं। हरी मिर्ची को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच रेड मिर्ची पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो ध्यान दीजिएगा, नमक आपको समझ के डालना है क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर। इसको आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। इससे आपका नाश्ता बहुत ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनेगा। तो डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर। आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। डाल देंगे ऊपर से कटी हुई हरी धनिया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ रेसिपी को हमेशा फुल वॉच किया करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके लिए नई नई रेसिपी लाते रहते हैं। तो चलिए अब हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे और इस तरीके से हाथों से इसे प्रेस करके दबाएंगे। अब हम पनीर की फिलिंग को इसमें फिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से पैक कर देंगे घुमा घुमा करके। ये देखिए लोई हमने बना ली है। अब हम इसमें थोड़े से आटे का पैथन लगाएंगे और इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। आप इसको हाथों की हेल्प से भी इस तरीके से टैप टैप करके फैला सकते हैं या फिर आप इसको बेलन से भी बेल सकते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं बेलना है। जिस तरीके से हम कचौड़ियाँ बनाते हैं घर में उसी साइज़ का हमें इसे बेलना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ही हम सारा बेल करके तैयार कर लेंगे। साइड में हमने तेल को भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म है। एक एक करके सारी कचौड़ियों को हम फ्राई कर लेंगे। ये कचौड़ियाँ ज़्यादा फूलती तो नहीं है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है। अब हम इसकी दूसरी साइड को भी पलट करके उधर साइड भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से कचौड़ियों को हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से सारी कचौड़ियों को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने कचौड़ियों को कर दिया है सर्व और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट कचौड़ियाँ बन करके तैयार हुई है। यहाँ पे हमने कचौड़ियों को सर्व किया है टेस्टी सी सब्जी के साथ। इस नाश्ते को आप डिनर में, लंच में या फिर मॉर्निंग में आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये नाश्ता बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एक बार नाश्ते को बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।